तो क्वेश्चन बनेगा, तो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी किस पे है? फीचर्स आपको आना सबको चाहिए। देखो बेटा, एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है लेस इंपॉर्टेंट। हाँ, लेस इंपॉर्टेंट भी सकता है, तो वो बेवकूफी ना करें कि मां नहीं करूंगा। नहीं, प्लीज आंसर सुनेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? नंबर वन, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो मोटा मोटा तो आपको पता ही है कि वो क्या ही बताने वाले होंगे, बट समझना इस बात को। तो अब बचा क्या पूरे चैप्टर्स में? तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो जब आप फीचर करें, वो इस हिसाब से करें कि एक फीचर भी आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है 3 3 मार्क्स में। एक फीचर, व्हाट आर द फीचर्स? तो इजी क्वेश्चन हो गया। एक्सप्लेन दिस एज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर 3 मार्क्स। तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए, तो नॉट जस्ट द मीनिंग, आपको उस फीचर की इम्प्लीकेशन भी पता होना चाहिए। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है, हाँ ठीक है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, तो उससे क्या? उससे ये, नो बायर इज बिग इनफ टू डोमिनेट द मार्केट, नो सेलर इज बिग इनफ टू डोमिनेट द मार्केट, द फर्म बिकम्स द प्राइस टेकर, दे कैन नॉट फिक्स देयर ओन प्राइस, द प्राइसेस आर फिक्स बाय द इंडस्ट्री। ये होती है इम्प्लीकेशन। तो आपको सिर्फ हेडिंग नहीं, सिर्फ उसका मीनिंग नहीं, उसका पूरा कंटेंट, उसकी पूरी इम्प्लीकेशन पता होनी चाहिए, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। सो बी केयरफुल। इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो इम्प्लीकेशन मतलब, तो उससे क्या? व्हाट डू यू वांट टू इम्प्लाई? इट मींस दैट नंबर ऑफ सेलर्स इज सो लार्ज दैट शेयर ऑफ ईच सेलर इंडिविजुअली इज इनसिग्निफिकेंट। तो कोई प्रोड्यूसर डोमिनेट नहीं कर पाएगा कि मैं बढ़ाता हूँ प्राइस, कह रहा बढ़ा लेते, ऐसे कोई सामान ही नहीं खरीदेगा, और बहुत सारे सेलर्स हैं। इनसिग्निफिकेंट शेयर इन द टोटल सप्लाई, हेंस एन इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। सिमिलरली, सिंगल बायर शेयर इन टोटल परचेज इज सो इग्निफिकेंट, सो इनसिग्निफिकेंट दैट ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। कोई डाउट? ड्यू टू दिस रीजन, फर्म इज जस्ट अ प्राइस टेकर। फर्म मतलब बिजनेस एंटिटी इज जस्ट अ प्राइस टेकर, वो अपना प्राइस खुद डिसाइड करते हैं। इंडस्ट्री द प्राइस टेकर मतलब दे टेक द प्राइस फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे कैन नॉट फिक्स देयर ओन प्राइस, वो अपना प्राइस खुद नहीं सेट कर सकते। प्राइस टेकर का मतलब उनको प्राइस दिया जा रहा है, भाई साहब इस प्रोडक्ट का ना प्राइस ये है, इस प्राइस पे ही बेच पाओगे, बट इस प्राइस पे आप जितना बेचना चाहो उतना बेच पाओगे, इस प्राइस को आप चेंज करने की कोशिश ना करना, आपका सामान बिकेगा नहीं। कह रहा कैसे नहीं बिकेगा? कह रहा बढ़ाओगे तो क्या होगा? बढ़ाओगे प्राइस पर प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम कैसे हो जाएगा? हायर द प्राइस हायर द प्रॉफिट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। हाँ, तो बढ़ाओ ना प्राइस, क्यों नहीं बढ़ा रहे? परफेक्ट, बिल्कुल सही, यही आंसर। सर देर आर सो मेनी अदर सेलर्स, मैं अगर प्राइस बढ़ाऊंगी तो मेरे से कोई सामान क्यों लेगा? बिकॉज वी आर सेलिंग अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, वी आर सेलिंग अ होम। आप कोई और बना रहे होते हैं, आपकी जैकेट है, आप 50,000 की बेचो, आपको कन्विंस करना है लोगों की हाँ उसमें कुछ स्पेशल है, ब्रांड है, तो 50,000 की भी बिकेगी, वरना 2,000 की भी नहीं बिकेगी। लेकिन अगर होमोजेनियस प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ही सेम है, तो प्रोडक्ट ही सेम है, तो कैसे बेच पाओगे? तो नहीं बेच पाओगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। इसीलिए अगर आपने हायर प्राइस इंपोज करा, चार्ज करने की कोशिश करी, कोई आपसे सामान नहीं लेगा, तो सर फिर मैं मार्केट कैप मैं कम कर देती हूँ, मार्केट कैप्चर करने के लिए प्राइस कम कर दो, करोगे कम? सेम पे तो चल ही रहा था, कुछ तो एक्साइटमेंट चाहिए ना लाइफ में, तो कम करोगे क्या? कम क्यों करना चाहोगे? कम में तो मेरा नुकसान है, कम में तो मेरा नुकसान है, अब मैंने कम कर दिए तो फायदा क्या? फायदा क्या मतलब, मैं तो इनसिग्निफिकेंट हूं, मैं मार्केट को तो कैप्चर कर ही नहीं पाऊंगा। तो जहां मैं ज्यादा प्राइस पे ज्यादा बेच सकता था, कह रहे क्वांटिटी पे तो मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं डाली, उस प्राइस पे मैं, प्राइस कम क्यों करना चाहते हो? मार्केट कैप्चर करने के लिए? यस और नो, एक ही रीजन हो सकता है ना, प्राइस बढ़ा रहे हो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, वो एक अलग चीज हो गई। प्राइस कम करने का तो एक ही रीजन हो सकता है कि आप बायर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यू हैव एन ऑप्शन टू सप्लाई अनलिमिटेड यूनिट्स,
उस प्राइस पे आप जितनी मर्जी यूनिट्स बेच सकते हो, तो आपके पास तो कोई कोई रीजन ही नहीं है प्राइस कम करने का। प्राइस आप कम करोगे नहीं, ज्यादा करोगे बिकेगा नहीं। यू आर अ प्राइस टेकर, यू आर अ प्राइस टेकर, यू कैन नॉट फिक्स योर ओन प्राइस। अ फर्म हैज नो ऑप्शन बट टू सेल द प्रोडक्ट एट द प्राइस डिटरमिंड बाय द इंडस्ट्री। सिमिलरली अ बायर इज ऑल्सो अ प्राइस टेकर, बायर बायर इज अ प्राइस टेकर एज ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट बाय चेंजिंग द डिमांड। अंडर सच सिचुएशंस प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमिंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड ईच बायर एंड सेलर हैज टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस। एज अ रिजल्ट यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द। कोई डाउट? ध्यान से देखना इसका छोटा सा ग्राफ, ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? चलो ध्यान से देखना ग्राफ क्या है इसका। ये है इंडस्ट्री, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो है इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या है वो? इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये प्राइस कैसे डिटरमिन हुआ? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। किसने फिक्स करा? किसने फिक्स करा? इंडस्ट्री ने। नाउ द प्राइस फिक्स बाय द इंडस्ट्री इज गिवन टू द फर्म, इट इज गिवन टू द फर्म। ये किसका ग्राफ है? फर्म। एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस। तो प्राइस फिक्स्ड है। इस प्राइस पे ये जितनी मर्जी यूनिट्स बेच सकते हैं। तो ये प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू द डिमांड। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने बना तो चुके हैं। रेवेन्यू कर्व कैसा होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इस रीजन की वजह से होता है। तो मैंने वहां पे थोड़ी सी एक लाइन बोली थी, लेकिन फिर मैं कहता कि अभी मैं क्या ही बातें करूं, जब यूज होनी है तब याद नहीं रहेंगी। तो ये किस पॉइंट पे बेस्ड है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। फर्म इज अ प्राइस टेकर। अभी समझ आ गया ना कि कैसे प्राइस टेकर? प्राइस फिक्स कर रही है इंडस्ट्री, वो प्राइस दिया जा रहा है फर्म को। Therefore, the firm becomes the price taker. Mazedar, easy but important. हाँ, बिल्कुल। इंडस्ट्री किस चीज पे डिपेंड कर रही है? फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, ये डिमांड और सप्लाई कर्व ही है, ये मार्केट है। ये क्या, कौन सी डिमांड है? ये मार्केट डिमांड। ये कौन सी सप्लाई है? मार्केट सप्लाई। तो मार्केट डिमांड और मार्केट से वो एनालाइज करती है, अच्छा इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, सप्लाई है, ओके ये है रीजनेबल प्राइस, फिक्स किया जाए। ये प्राइस सारे प्रोड्यूसर्स इसी प्राइस पे बेचेंगे, जिस प्राइस पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है वो। मतलब ऐसा वो ये कुछ नहीं कि इंडस्ट्री प्रोड्यूसर को दबाने की कोशिश करेगी, नहीं नहीं, ना वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी, ना वो प्रोड्यूसर को दबाने की कोशिश करेगी। इक्विलिब्रियम बेस्ट पॉसिबल प्राइस वो देखेगी, अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फिर वो प्राइस फिक्स करेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इंप्लीकेशन, नो बायर इज बिग इनफ टू डोमिनेट द मार्केट, नो सेलर इज बिग इनफ टू डोमिनेट द मार्केट, द सेलर बिकम्स द प्राइस टेकर। प्राइसेज आर फिक्स बाय द इंडस्ट्री, दैट इज द मार्केट। क्लियर है सारी बातें? गुड।